इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती है जिसके बारे में आपको सही में जान के लगता है कि ये क्या है भाई, मतलब ऐसा भी जगह हो सकता है। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में आपको जान के बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो शुरू करते हैं रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश को। फैक्ट नंबर 12, सिटी ऑफ द डेड। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा लोगों के शव दफन है, उनका बॉडी आज भी मौजूद है। एंड इस पुराने मिस्टीरियस शहर के बारे में आप जब जानोगे तब आप रियली ये बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी कुछ होता है। रशिया में मौजूद एक गांव है जिसका नाम है डरगेव्स, उसी के आउटर रीजन में ये जगह मौजूद है। एंड ये कहा जाता है कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों के जो बॉडी है वो अभी भी यहाँ पे दफन है। एंड ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर अगर कोई एक्सप्लोर करने चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। हर एक घर में जो मरे हुए डेड बॉडीज हैं वो मौजूद है। ऐसे कई जगह हैं इस दुनिया में जो कि आपने सुना होगा कि रातों रात वो गायब हो जाते हैं। भांगड़ और ऐसे कई जगहों में लिटरली ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी सभ्यता एक रात में गायब हो गई है। तो ये कैसे हो जाता है? हम लोग जो जानते हैं इस वर्ल्ड के बारे में, जो पॉसिबल रीजंस है कि इस वजह से ये हो पाता है, ऐसे कई चीजें हैं जो हमें नहीं पता, कई अननोन फोर्सेस और ऐसी कई चीजें जिसके चलते फॉर एग्जाम्पल कर्सेस, श्राप रियल हो जाते हैं, पूरे गांव एक साथ खाली हो जाते हैं। तो इसका भी इतिहास कुछ ऐसे ही है। और मेन बात यह है कि भारत में भांगड़ जैसी जगहों का जो इतिहास है वो हमको पता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है और जो कि ऐसे जगहों को अभी ओन करता है, उसको पता है कि बैक स्टोरीज क्या है इन जगहों की। लेकिन ये जो सिटी ऑफ द डेड, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता कि इसका ओरिजिन क्या है। और ये बस वीरान पड़ा हुआ है, मतलब जब आप मान लो आप रशिया गए और इस जगह पे जाओगे तो आप खड़े रहोगे एक जगह, पूरी शांति रहेगी और सामने इतने सारे डेड घर आपको नजर आएंगे जिसके अंदर कोई लाइफ का साइन नहीं रहेगा, बस पड़ा हुआ है और इतने सारे घर दिखेंगे। और आप सोचोगे कि इतना वैल्यूएबल घर सब है, इसमें कोई नहीं रहता, कितना अजीब बात है। फैक्ट नंबर 11, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है कि हमें पता नहीं होता है कि क्या हो रहा होता है। लोग गेस करने की कोशिश करते हैं बट बाद में जो रियलिटी आती है वो कुछ ज्यादा ही डरावनी होती है। हम लोग केस ले लेते हैं इनका, चैडविक बोसमैन का। ये अभी इस दुनिया में नहीं है बट जब थे तब ब्लैक पैंथर के रोल के बाद इनको बहुत शाबाशी मिली थी पूरे वर्ल्ड की तरफ से। लेकिन क्या हुआ कि इनके बाद में जो अपडेटेड फोटोज आने लगे उसमें ये काफी पतले नजर आ रहे थे और उनका ये पतला होना लोगों के हिसाब से उन पर सूट नहीं कर रहा था और बहुत सारे मीम्स बन रहे थे कि ब्लैक पैंथर लूज कर रहा है वेट, ये वो, और ये ट्रोल किए जा रहे थे इंटरनेट पे। बट किसी को ये पता भी नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा था। ये कैंसर से लड़ रहे थे उस टाइम एंड इसलिए उनका बॉडी इतना पतला हो रहा था एंड आखिरकार ये कैंसर के चलते चल बसे। फैक्ट नंबर 10, मेगा मॉस्क्विटोज। एक बहुत ही नॉवल सी टॉपिक है, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। क्या है कि हमारे इस नेचर में ऐसी कई चीजें हैं, ऐसे कई प्रजाति है जो कि लिटरली हमें नहीं पता होता है कि क्या है और कैसे है। जैसे लोग नागमणि की बात करते हैं, ऑफ कोर्स साइंस नागमणि को नहीं मानती है एंड हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि नागमणि वाला सांप एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। बहुत कोई क्लेम करने का दावा तो करते हैं बट एक्चुअल में होता नहीं होता ये किसी को नहीं पता। बट इससे हमें ये एक आइडिया मिल जाता है कि नेचर में ऐसे कई स्पीसीज हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है ठीक से। जैसे ये आप अपने स्क्रीन पे मेगा मॉस्किटो जो देख रहे हो, ये एक नॉर्मल मॉस्किटो को बगल में खड़ा है एंड अर्जेंटीना में ये बहुत मात्रा में पाए जा रहे हैं। एंड सोचो जो मच्छर होते हैं वो इतने छोटे होते हैं टिपिकली, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा मच्छर आ जाए आपके पास तो आपको लगेगा नहीं, अरे बाप रे इतना बड़ा मच्छर। तो ऐसे कई अनकॉमन स्पीसीज है इस वर्ल्ड में जिसके बारे में हमें नहीं पता। और समुद्र का 95% अनएक्सप्लोर्ड है। एक बहुत ही फेमस बात है कि हम लोग मार्स पे पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पे, लेकिन धरती के समुद्र को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, गहराई में नहीं देख पाए कि क्या है क्या नहीं है। ये उन्हीं में से एक एग्जांपल था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि नेचर में मून के शेड्स भी होते हैं? आपने शायद ही कभी पूर्णिमा में चांद को ध्यान से देखा होगा, जब चांद पूरे फुल शेप में नजर आता है तब उसके कलर को ठीक से आपने गौर शायद कभी
नहीं किया है शायद। अगर आपने किया है तो आपको पता होगा चांद के शेड्स के बारे में। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है चांद के डिफरेंट शेड्स। ये पूरा शेड जो है, ये जो एक फोटो देख रहे हो आप, इस फोटो को बनाने में 10 साल लगे हैं, क्योंकि 10 साल में चांद के इतने सारे शेड्स पाए गए हैं साइंटिस्ट्स को। और इसमें से ये जो चांद का कलर है, बहुत सारे ऐसे कलर्स है जो कि हम लोग डेली आसमान में देखते हैं, जो कि कॉमन कलर होता है चांद का, बट इसमें ऐसे भी कई कलर्स हैं जिस कलर का चांद हमें कभी कभी दिखता है बट हम नोटिस नहीं करते। तो ये है चांद का डिफरेंट शेड्स। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि वाटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं? जैसे अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर होगा या फिर वाटर फिल्टर होगा, तो आप उस फिल्टर से एक ग्लास पानी लो, उस एक ग्लास पानी से एक बूंद पानी लो, उसको रखो और उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तब आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो पानी है सिंपली, उसमें आपको ज्यादा पॉल्यूटेंट्स नहीं नजर आएंगे। अगर हम गंगा नदी का सबसे जो शुद्ध पार्ट है, जैसे हरिद्वार, वहाँ पे जो गंगा का पानी है वो बहुत शुद्ध माना जाता है, तो वहाँ से भी अगर हम लोग लेके माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत ही साफ नजर आएगा। लेकिन अगर एक समुद्री पानी, देखो समुद्र का जो पानी होता है उसमें अनगिनत चीजें होती है, सारी मछलियों का खाने के बाद, पचने के बाद फिर निकलना, ये सब समुद्र में ही होता है। समुद्र में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, अनगिनत जीव होते हैं, सॉल्ट होता है। तो अगर आप एक बूंद समुद्र के पानी को जूम करके देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा कुछ दिखेगा एक बूंद, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर व्हेन सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। इसमें आप अलग अलग टाइप के चीजों को देख रहे हो। सी वाटर कुछ ज्यादा ही गंदा होता है, इसलिए हमें प्रोबेबली इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि बॉडी अगर इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो तब शायद ये इफेक्ट कर ले। फैक्ट नंबर 7, बहुत लोगों को इल्यूजन्स होते हैं, उन्हें दिखते हैं, जैसे जो चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम है जो कि बहुत लोगों में होता है, उनको क्या होता है कि आवाजें नहीं सुनाई देती है बट दिखता बहुत कुछ है। इल्यूजन्स जो हमें होते हैं कभी कभी मिस्टीरियस कारणों की वजह से, या फिर जिसको साइंस नहीं मानती है, पैरानॉर्मल कारणों की वजह से, तो इसमें दो टाइप के हमें दिखते हैं विजन्स। पहला वो जिसमें हमें आवाजें भी सुनाई देती है और विजन भी होता है। दूसरा एक वेल डॉक्यूमेंटेड बीमारी साइंस के नजर पे, जिसको कहते हैं चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम, एक बीमारी का नाम है। तो जिनको ये होता है उनको क्या होता है कि अजीब अजीब टाइप के चीजें दिखती हैं लेकिन सुनाई कुछ नहीं देता है। एंड अलग अलग चीज दिखना ये पागलपन को भी दर्शाता है, लेकिन ये चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम जो है ये अपने टाइप में इकलौता ऐसा इल्यूजन है या फिर हॉलुसिनेशन है या फिर पैरानॉर्मल है मे बी, जिसमें हमें सिर्फ दिखता है अजीब अजीब चीज, कान पूरी तरह से डिसेबल्ड रहता है, एक अजीब सी ये डिसऑर्डर है ब्रेन का। और ऐसे बीमारियों का कोई प्रॉपर मेडिकेशन तो नहीं है, और बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना, जो देखो क्या है कि जो चीजें हम जानना चाहते हैं जो अननोन चीजों के बारे में, वो जब तक आपको दिखेंगी नहीं तब तक आप भरोसा नहीं करोगे। जैसे कि वैसे भी मैं स्लीप पैरालिसिस के ऊपर एक अपना फैक्टेक्स स्पेशल एपिसोड लाने वाला हूँ, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि आप लोगों का डिमांड बहुत है। तो ऐसी चीजें जो होती है स्लीप पैरालिसिस, जिसमें आप ऐसे सोए रहते हो और अपना बॉडी नहीं हिला पाते हो, कुछ सेकंड बाद हिला पाते हो, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सपीरियंस करने के बाद ही लोग अनुभव कर पाते हैं। कुछ लोग तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो जो देखते हैं उनको रियल लगता है। एंड ऐसा कोई इंसान जो कि ऐसी चीजों को अनुभव किया है, वो आपके सामने अगर आके बोले कि मैंने ऐसा देखा, तो वो जो सुन रहा है उसको शायद उतना सीरियस ना लगे, बट जो अनुभव किया है उसको पता है कि ये क्या है। तो कुछ लोग जो चार्ल्स बैनॉट सिंड्रोम को एक्सपीरियंस करते हैं, वो ये मानते हैं कि उनको कुछ पैरेलल वर्ल्ड दिखता है, जो एक्सपीरियंस किए हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है। फैक्ट नंबर 6, आप ये बताओ कि एक साइड हम लेते हैं ग्रेवयार्ड्स, यानी उन जगहों पे जहां पे डेड बॉडीज को दफन किया जाता है, और एक साइड लेते हैं एक घर जो कि माना जाता है कि हॉन्टेड है। तो आप ये बताओ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपके हिसाब से आपको ये लग रहा होगा कि ग्रेवयार्ड में तो इतने सारे डेड बॉडीज होते हैं, तो मे भी एक र्यूमर्ड घर से ज्यादा वो
खतरनाक हो। मतलब ये जो घोस्ट वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक्चुअली में वो घर ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो ये ग्रेवयार्ड है उसमें लोगों को जो दफनाया जाता है वो सारे नियमों से किया जाता है। एंड मे बी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सोल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं कि डेड बॉडी का जो क्रियाकर्म होता है, इसे हम कहते हैं इंडिया में जो क्रियाकर्म, इससे होता है ग्रेवयार्ड में। एंड इसलिए हम लोग ग्रेवयार्ड के सामने कई घरों को भी बने हुए देखते हैं नॉर्मली। तो अकॉर्डिंग टू देम वो जो एक सिंगल हाउस अगर हॉन्टेड हो तो वो ज्यादा खतरनाक होगा पैरानॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वर्सेस दी ग्रेवयार्ड। फैक्ट नंबर 5, कुत्ते इस दुनिया में कब से हैं? प्रोबेबली तब से जब इंसान आए हैं। बट आपको पता है स्पीसीज जो होते हैं, हर जानवर का एक टाइप होता है ना कि हाँ अरे ये तो ये प्रजाति का मछली है, अरे ये तो रोहू है, ये है, वैसे कुत्तों में भी अलग अलग होता है। और हर स्पीसीज एक आप बोल सकते हो कि एक फैमिली हमेशा जिंदा नहीं रहता है, कुछ सालों में वो लुप्त हो जाते हैं फिर नए स्पीसीज आते हैं। तो ऐसे अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो एक कुत्ता का स्पीसीज ऐसा है जो कि 3000 साल से इस धरती पे अभी तक उसका जो पॉपुलेशन है वो अच्छा खासा है। उस प्रजाति का नाम है ज़ोलोइड्स क्विंटल। ये 3000 ईयर ओल्ड एक डॉग का ब्रीड है जो आज भी मेक्सिको में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। एंड इनके बारे में एक फैक्ट है कि इनका बाल नहीं होता, ये हेयरलेस होते हैं। फैक्ट नंबर 4, जो लॉज होते हैं उसको हमें किसी भी कंट्री में रहने के लिए सीरियसली लेना पड़ता है, बट बहुत सारे देशों में कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि दूसरे देशों में उतना सेंस नहीं बनाते, या फिर ओवरऑल ही उतना सेंस नहीं बनाते, बट वो लॉ पास्ड होता है उस कंट्री में। फ्रांस में ऐसा एक लॉ है कि आप डेड पर्सन से भी शादी कर सकते हो। कोई मजाक नहीं है भाई, गूगल में जाके सर्च कर लो। ये मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ, जैसे ये पॉस्थोमस मैरिज कहते हैं इसे फ्रांस में, मतलब मरने के बाद का मैरिज। इसमें उनको जो मरा है उसके फैमिली का अप्रूवल लेना पड़ता है और भी बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। बट किसी का शादी होने वाला है और उसका मंगेतर मर गया तब भी मैरिज पॉसिबल है टेक्निकली स्पीकिंग। अब ये कितना वियर्ड लगे आपको वो तो बाद की बात है, बट ऐसा हो सकता है। एंड आप इस विकिपीडिया पेज को, ये जो पोस्थमस मैरिज वाला विकिपीडिया पेज है, इसको आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा पॉसिबल है। चाइना में एक रेयर ट्रेडिशन है मिंगम या फिर स्पिरिट मैरिज, इसमें ऐसा पॉसिबल है। इस लिस्ट में जर्मनी है और इंडिया भी है इस लिस्ट में। इसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया का बिलावा कम्युनिटी उन कम्युनिटीज में से एक है जो कि ज्यादातर इस ट्रेडिशन को करती है, और भी जो जो कम्युनिटीज हैं जो कि करती है उनका नाम लिखा हुआ है। बाकी आप जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और भी बहुत सारे कंट्रीज को देख सकते हो। मतलब डेड पर्सन से मैरिज लीगल होता है बहुत सारे जगहों में, जैसे हमने अभी फ्रेंच लॉ को एक्सप्लोर किया। फैक्ट नंबर 3, एक आर्टिस्ट है एलिसन मोरिट्सुगु और वो बहुत ही यूनिक टाइप का आर्ट बनाती है जो कि इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि हर एक पीस ऑफ आर्ट को बनाने में 10 साल लगते हैं। जिस चीज में टाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग अक्सर वैल्यूएबल मानते हैं और वो होता भी है, जैसे कि चंदन की लकड़ी। मैंने एक वीडियो में आपको नॉर्मल चंदन और लाल चंदन का फर्क बताया था कि लाल चंदन को कैसे 30 साल से भी ऊपर तक उसको बड़ा होने देना पड़ता है, देन हम उसको काट के बेच सकते हैं। उसी तरह इनका केस क्या है ना कि ये फॉलन लॉग्स, कटे हुए लकड़ी को लेती है और उस कटे हुए लकड़ी को एक जगह रख देती है, एक रूम में बंद कर देती है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए लॉग को लॉक कर देती है और उसके बाद उसके ऊपर कुछ ऐसे पेंटिंग्स बनाती है, एक नेचर के फोटो को एक्चुअल नेचर में एम्बेड करती है। एंड ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है उनके कुछ आर्ट्स। फैक्ट नंबर 2, देखो दो टाइप के कंडीशंस होते हैं, एक होता है ड्वार्फिज्म, एक होता है जायंटिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब शॉर्ट हाइट के लोग और जो बहुत ह्यूज दिखते हैं उनको जायंटिज्म होता है। बट क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ड्वार्फ भी हो और जायंट भी हो? कोई एक ही इंसान ड्वार्फ और जायंट कैसे हो सकता है? तो पूरे हिस्ट्री में, इस धरती के पूरे इतिहास में सिर्फ एक इंसान है जो कि ड्वार्फ भी थे और जायंट भी थे, एडम रेनर। आप यहाँ देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया दी ओनली पर्सन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री टू हैव बीन बोथ अ ड्वार्फ एंड अ जायंट। ये ऑस्ट्रिया में जन्म लिए थे 1899 में और ये बचपन में बहुत पतले थे और बहुत छोटे हाइट के थे।
और 1917 में 18 साल के जब ये थे तब इनकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 4 फुट थी। मतलब जब ये 18 ईयर ओल्ड एडल्ट बन गए तब इनकी हाइट सिर्फ 4 फीट थी, तब इनको टेक्निकली ड्वार्फ कहेंगे हम। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ कि इनका बॉडी अचानक से ग्रो करने लगा। मतलब कुछ महीनों के डिफरेंस में ही वो 4 से 6 फुट के हो गए। मान लो कोई आदमी ड्वार्फ है, 4 फुट का है, 2 महीने में वो 6 फुट का हो जाए, ऐसा बॉडी में पॉसिबल है, बट एक डिजीज के चलते, एक ट्यूमर के चलते, एक कैंसर के चलते। बहुत सालों बाद जाकर क्या हुआ कि एक पिट्यूटरी ट्यूमर, जो कि बाद में पता चला इनको मेरे को ट्यूमर है, उसके चलते वो ड्रामेटिकली बढ़ने लगे और साल दर साल इनका हाइट बढ़ते जा रहा था। और जब ये 33 साल के हुए हैं तब इनकी हाइट हो गई 7 फुट 2 इंच, जो कि एवरेज से बहुत ही ज्यादा हाइट है। इस दुनिया में सारे लोगों का हम लोग हाइट लें, उसका एक डेटा बनाएं और उसका एक एवरेज निकाले कि एक नॉर्मल हाइट कितना होता है इंसान का, तो वो आएगा 5 फीट 6 इंचेस। तो एवरेज से तो ये बहुत ही ऊपर थे, 7 फीट 2 इंच। जो शू का साइज होता है, जैसे 8 नंबर 10 नंबर ऐसे साइज पहनते लोग, तो इनका 10 नंबर शूज, कुछ सालों बाद 20 नंबर सूज का जरूरत पड़ने लगा इनको। ये सब हो रहा था उस पिट्यूटरी ट्यूमर के चलते। तो इस तरह ये एक ही लाइफ टाइम में एक ड्वार्फ भी थे और एक जायंट भी थे। फैक्ट नंबर 1, इतिहास में बहुत सारे ऐसी चीजें हुई है जो कि जानने के बाद हमें लगता है कि अरे ऐसा था। तो ऐसी कुछ कहानी है इनकी। पिट कैरिन इट्स डॉटर, ये एक स्वीडिश मिल्कमेड थी। ये क्या हुआ था कि एक बार सड़क के बगल में खड़ी थी, साल है 1834, उस टाइम की बात है, ये थी 22 साल की और वो सड़क के बगल में खड़ी थी। तो ऐसा माना जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि लोग अपने कार से ऐसे उतर उतर के खड़े होकर उसको देख रहे थे, और ऐसे करते करते बहुत लोग कार उतर के देखने लगे और ट्रैफिक डिसरप्ट हो गया सिर्फ एक लड़की के ब्यूटी के चलते। पता नहीं उस टाइम ब्यूटी रेयर था या क्या था, बट ऐसा सही में हुआ। वो इतनी फेमस हो गई कि हर दुकान वाला कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हीं की फोटो लगाता था, एंड इससे उन लोगों को फायदा भी हो रहा था। इनके बारे में एक पूरी की पूरी विकिपीडिया पेज है जिसमें आप इनके सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। ऐसा आज के टाइम पे तो शायद ही होगा। ऐसा सोचो कि क्या अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि रोड के बगल में कोई लड़की खड़ी है और लोग अपना गाड़ी रोक के, पार्किंग ब्रेक लगा के, ऐसे गेट बंद करके फिर खड़े होके किसी लड़की को ऐसे देख रहे हो और सब कोई आके रुक रुक के देख रहा हो, पूरा ट्रैफिक जाम लग गया हो। ऐसा अभी के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।